गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी आर टॉकिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड पैटर्न ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन क्लासिफिकेशन सेपरेशन एंड पैटर्न ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, अपन सब लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसको अपन जस्ट फॉर रिविजन क्लास कर रहे हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या हैं और जो इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न बनता है किस तरीके का पैटर्न बनेगा। टॉपिक आर टुडे क्लास इज ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, मेथड ऑफ सेपरेशन, प्रॉपर्टीज, फीचर्स एंड फंक्शन, सिंथेसिस, चेंजिंग इन हेल्थ एंड डिजीज। देखिए प्रोटीन का अपन ने अभी तक देखा कि नॉर्मल जो वैल्यू है प्लाज्मा प्रोटीन्स है ना, कितना होना चाहिए टोटल प्रोटीन्स का लेवल, 6 to 8 ग्राम परसेंट। ठीक है, एल्ब्यूमिन का लेवल कितना होना चाहिए, 3.5 to 5.5। ग्लोबुलिन का लेवल 2.5 से। अगर रिवर्स रेशियो हो जाता है, ग्लोबुलिन का लेवल इंक्रीज है और एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज है, दैट मीन्स पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कौन सी डिजीज रहेगी। एजी रेशियो रिवर्स कौन सी डिजीज में होता है, मल्टीपल माइलोमा में। तो उसका पैटर्न देखना आना चाहिए अपने को, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या पैटर्न होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोटीन्स आपकी बॉडी में। क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा प्रोटीन्स बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, ट्रांसपोर्ट करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगा। रिवीजन क्लास है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अब जो भी टॉपिक आएंगे सब आपसे ही क्वेश्चन पुटअप करेंगे। दो ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन है, कंपोजिशन किस तरीके से रहता है, जब भी अपन किसी पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ठीक है, आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ऊपर सबसे ऊपर सीरम सेपरेट होगा। ठीक है, अगर आपने उसके अंदर एंटी कोगुलेंट इन्वॉल्व कर रखे हैं तो फिर क्या होगा, वहां पे प्लाज्मा सेपरेट होगा। सबसे नीचे क्या रहेगा, आरबीसी रहेगा, फिर क्या रहेगा, WBC रहेगा, और उससे ऊपर क्या रहेगा, आपका प्लाज्मा रहेगा। ठीक है, अब देखिए आप जब भी ब्लड शुगर एस्टिमेट कर रहे हैं या फिर आप CBC करवा रहे हैं या फिर आप HbA1c की जांच करवा रहे हैं, तो इंडिविजुअल एक ट्यूब दी जाती है आपको ना, कि जैसे कि शुगर का सैंपल है तो शुगर के सैंपल के लिए आपको कौन सी ट्यूब सेलेक्ट करनी है। शुगर वायल क्या है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, सोडियम फ्लोराइड है। ठीक है, अगर आपको HbA1c लेना है तो अपन कौन सी लेंगे, फ्लोराइड नहीं, EDTA वायल लेंगे अपन, है ना, होल ब्लड से अपन लगा रहे हैं। अगर आपको लैक्टेट लेवल परफॉर्म करना है तो अपन कौन सी वायल लेंगे, सोडियम फ्लोराइड वायल लेंगे। ठीक है, अगर आपको सीरम से टेस्ट परफॉर्म करना है, थायराइड प्रोफाइल लगाना है, T3, T4, TSH, तो अपन कौन सी वायल लेंगे, प्लेन वायल बोलते हैं अपन उसको ना, कुछ भी कंटेंट नहीं है, कोई एंटी कोगुलेंट नहीं है, कोई सोडियम फ्लोराइड नहीं है, हीपरिन नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो ये बेसिकली क्या है कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम कौन सा सबस्टेंस बॉडी में देखना चाह रहे हैं। अगर आप शुगर देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें सोडियम फ्लोराइड ही लेना होगा। रीजन क्या है बिहाइंड रीजन सोडियम फ्लोराइड का, कि कंटिन्यू ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लूकोज कंटिन्यू ब्रेक डाउन इन लैक्टेट, है ना, तो क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज रहेगा अगर अपन प्लेन वायल के अंदर सैंपल लेते हैं तो। सेम लाइक अपोजिट में जैसे लैक्टेट है, आपको लैक्टेट लेवल चेक करना है तो अपन क्या लेंगे, सोडियम फ्लोराइड लेंगे। रीजन क्या है कि अगर आप लैक्टेट लेवल को लेट परफॉर्म करेंगे, लेट एनालिसिस करेंगे, तो लैक्टेट लेवल इंक्रीज रहेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे कंटिन्यू ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लूकोज कंटिन्यू कन्वर्टिंग इनटू लैक्टेट। आपको सीरम के अंदर एस्टिमेट करना है T3, T4, TSH, तो अपन सीरम के लिए प्लेन वायल लेंगे। कंटेंट है यहाँ पे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स है, नॉर्मल रेंज से 1.4 to 8.3 ग्राम परसेंट, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिन, ओजन, अदर इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है यहाँ पे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस है, सबस्टेंस हॉर्मोन्स।
सीरम क्या रहेगा, ब्लड अलाउड टू क्लोट एंड क्लोट रिएक्ट रिमेन्स फ्लूड इज सीरम। आपने क्या किया कि आपने प्लेन वायल में सैंपल लिया, ब्लड को आपने क्लोट होने दिया, क्लोट होने के बाद अपन उसको सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है। सबसे नीचे वही है, सेम क्या रहेगा, ब्लड क्लोट रहेंगे यहाँ पे, और ऊपर क्या रहेगा, सीरम रहेगा। सीरम इन प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन एंड क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है। सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ, अगर कोई आपसे पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, विद क्लोटिंग फैक्टर है, सीरम विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, गामा एंड फिब्रिनोजन, ये आपका पैटर्न है। अगर किसी भी तरीके की डिजीज होगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, मल्टीपल मायलोमा है, क्रोनिक इंजरी है, सीकेडी है, सीएलडी है, तो जो प्रोटीन्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, पेशेंट का सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न चेक करवाएंगे। उस पैटर्न के अंदर डिफाइन है कि अगर अल्फा 1 का लेवल इंक्रीज है तो कौन से डिजीज में इंक्रीज होगा, बीटा 1 का इंक्रीज है तो कौन से डिजीज में रहेगा, गामा ग्लोबुलिन का लेवल कब इंक्रीज हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल पैटर्न है। सेपरेशन के क्या क्या मेथड है, जो भी टेक्निक्स है अपनी, आप लोगों ने पढ़ी है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन को आपको सेपरेट करना है, सेंट्रीफ्यूज ही है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न है आपका, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्निक है आपकी। अदर इम्पोर्टेंट बाय प्रिसिपिटेशन बाय साल्टिंग आउट। साल्टिंग आउट क्या है, मोस्ट प्रोटीन्स आर लेस सोल्यूबल एट हाई साल्ट कंसेंट्रेशन एंड इफेक्ट कॉल्ड साल्टिंग आउट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के लिए साल्टिंग आउट पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। डायलिसिस कैन बी यूज टू रिमूव द साल्ट इफ नेसेसरी। इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स, इट सेपरेट प्लाज्मा प्रोटीन्स इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक चेंजिंग ऑफ ईच फंक्शन, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस क्या है आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस के, अब नॉर्मल प्रोटीन्स को आप आइडेंटिफाई कर देंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉर्मल प्रोटीन चेंजिंग इन द रिएक्टिव कंसेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। नेक्स्ट टेक्निक इज इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्निक, अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन टेक्निक का प्रिंसिपल क्या रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो सबसे नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी सबसे कम है वो ऊपर रहेगा। अगर अपन लिपोप्रोटीन्स की बात करें तो अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन में सबसे ऊपर कौन रहेगा, लिपोप्रोटीन्स पढ़े ना आपने, प्री फैटी एसिड है, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, काइलोमाइक्रोन है, दो पैटर्न थे वहां पे, एक का इलेक्ट्रोफोरेसिस चार्ज आपने अप्लाई किया पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरी तरफ आपका सेंट्रीफ्यूगेशन है, तो सबसे ऊपर कौन रहेगा ओरिजिन, काइलोमाइक्रोन, सबसे नीचे एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ओस्मोटिक प्रेशर इज 25 mm ऑफ एचजी। स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे आप लोगों ने की होगी ना अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन चेक किया ना अपन, स्पेसिफिक ग्रेविटी कब इंक्रीज हो जाती है, कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज कब हो जाएगी। नॉर्मल वैल्यू ऑफ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है ना, आपने एक्सपेरिमेंट यूरिन के साथ में फिजिकल केमिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने कलर देखा, पीएच देखा, वॉल्यूम देखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी आपने, नॉर्मल वैल्यू क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होता है, ये सभी क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज में, वन वर्ड में या फिर वाइवा में। क्या है नॉर्मल, 1.022, 1.024, सब
सपोज कीजिए आज ग्रेविटी आ रही 1.020, रूम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहेगी? क्या रहेगी एग्जैक्ट वैल्यू? कैलकुलेट करते हो ना आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को, क्या फॉर्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेटेशन का? फॉर्मूला है ना कुछ, कि जो यूरिनोमीटर है वो 15 डिग्री टेम्परेचर पर कैलिब्रेटेड है, अगर 18 हो जाता है तो लास्ट डिजिट में अपन 1 डिजिट ऐड कर देंगे, नहीं है कुछ ऐसा फॉर्मूला? नहीं है तो वहां पे यूरिन का है या अपन सीरम का देख रहे हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, प्रॉपर्टीज हैं ये, वाटर सोल्युबिलिटी है ठीक है, एम्पेसर की नेचर है, प्लाज्मा प्रोटीन्स आपकी एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन है, सिंथेसिस साइट लीवर है। एल्ब्यूमिन का लेवर 4.8 ग्राम परसेंट है, ग्लोबुलिन 2.3 है, फिब्रिनोजन 0.3 एंड प्रोथ्रोम्बिन इज 40 mg/%। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्लोबुलिन, एक्यूट फेज प्रोटीन्स आपको पता है कौन कौन सी होती है? एक्यूट फेज प्रोटीन्स नहीं सुना आपने? एक्यूट फेज प्रोटीन्स अभी जब कोविड आया ठीक है, तो आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन देखे होंगे जो कॉमन है, सेरुलोप्लाज्मिन करवा रहे हैं, फेरेटिन करवा रहे हैं, IL-6 करवा रहे हैं, थे ना कुछ कॉमन इन्वेस्टिगेशन? या जब भी कोई भी इन्फ्लामेशन होता है तो अपन सबसे पहले ये करवाते हैं, इनको अपन बोलते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स। एक्यूट फेज प्रोटीन्स का मतलब क्या है कि अगर कोई भी डिजीज, कोई भी इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में, तो सबसे पहले जो एक्यूट फेज प्रोटीन्स है उनका लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन्स, नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन्स भी अपन बोल सकते हैं। भाई नॉर्मल कंसंट्रेशन हमें पता है ठीक है, अगर कोई भी इन्फ्लामेशन होगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा, तो सबसे पहले जो चेंजिंग होगा वो एक्यूट फेज प्रोटीन्स में होगा ठीक है। CRP करवा रहे थे अपन, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, तो ये सब सारे क्या है? एक्यूट फेज प्रोटीन्स हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, डिफेंस मैकेनिज्म है ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, फंक्शन है, रिवर्स प्रोटीन्स है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करेगा ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा टिश्यू सेल के लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए, ब्लड विस्कोसिटी के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब सारे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल अब नॉर्मल रहेगा तो ये सारे फंक्शन इफेक्टेड होंगे। एसिड बेस बैलेंस में किस तरीके से रोल प्ले करता है? रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस रेगुलेशन, आपका बॉडी का जो पीएच है वो मेंटेन रखने के लिए आपके पास तीन मैकेनिज्म है। फर्स्ट है आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बफर्स, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस रीनल रेगुलेशन। अगर मिनिमम चेंजिंग होता है आपके पीएच में तो सबसे पहले ब्लड बफर्स उसको मेंटेन करेंगे। टाइप्स ऑफ ब्लड बफर्स, बाइकार्बोनेट, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन्स बफर्स, वहां पे इस तरीके से रोल प्ले कर रहा है प्रोटीन। लेकिन जो बफर्स हैं वो क्या करते हैं? बफर कैन क्विकली एक्ट बट कैन नॉट परमानेंट, है ना? जो बफर्स हैं आपका क्विकली एक्ट करेंगे लेकिन उसको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बफर उसको मेंटेन करेंगे। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या रहेगा?
रेस्पायरेटरी रेगुलेशन। रेस्पायरेटरी रेगुलेशन में क्या होगा कि आपकी बॉडी में कंटिन्यू जो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो CO2 को रिमूव करेगा बॉडी से, ठीक है। रेस्पायरेटरी रेगुलेशन से भी मेंटेन नहीं हो रहा तो फिर फाइनल क्या होगा, रीनल रेगुलेशन। रीनल रेगुलेशन के भी कितने मैकेनिज्म है, कुछ है ना मैकेनिज्म, एक चार से बने हुए हैं, ठीक है। एन आता है, CoHCO3 बनता है, आ रहा कुछ ध्यान ऐसा, कि मैक्सिमम अगर एसिड बढ़ गया है तो ट्राई टेबल की फॉर्म में एसिड को रिमूव कर देगा। एसिड बेस वाला जो चैप्टर है उसमें से मैक्सिमम MCQs बनेंगे, वाइवा में पूछा जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जब आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है, सबसे पहले आपको कौन करवा रहा है, कार्बोहाइड्रेट फिर लिपिड, अगर दोनों ही सफिशियंट अमाउंट में नहीं है अपने पास में तो फिर क्या करेगा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। प्रोटीन का मेन जो फंक्शन है वो एनर्जी प्रोवाइड का नहीं है, मेन फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड बाय कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल को अफेक्ट करेंगे। तो फाइनल आपका कंक्लूजन क्या है कि जो डायट्री प्रोटीन है वो आपके लिए एसेंशियल है, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड मस्ट फॉर सिंथेसिस, अगर एसेंशियल अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी है तो प्रोटीन कैन नॉट बी सिंथेसाइज। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, लिनोलिक, लिनोलिनिक एंड एरेक्डोनिक, तीन क्या हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ना कि अमीनो एसिड्स हैं। मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, टीवी मिल पास जिसे अपन याद करते हैं ना, सेमी एसेंशियल कौन कौन से हैं, सेमी एसेंशियल एसिटिन और आर्जिनिन है। अच्छा, एक अमीनो एसिड है जिसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा हो जाता है, कौन सा है, बेसिकली जो पेलेग्रा है वो किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है, कौन से विटामिन से हो रहा है, सी। B3 नाम क्या है, नियासिन है। लेकिन एक अमीनो एसिड है उसकी भी अगर डेफिशिएंसी है तो भी हो जाएगा, ट्रिप्टोफेन, 60 mg ट्रिप्टोफेन कन्वर्टिंग इनटू 1 mg नियासिन। चेंजिंग इन प्लाज्मा प्रोटीन हेल्थ एंड डिजीज, नॉर्मल वैल्यू टोटल प्रोटीन 6 to 8.2 g% है, एल्ब्यूमिन 4.8 है, ग्लोबुलिन 2.3 है। हाइपोप्रोटीनेमिया, डिक्रीज लेवल, ठीक है, डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर रिटेंशन, एडिमा बॉडी टिश्यू। कॉजेज क्या है, डायट्री डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, माइलनेस सिंड्रोम हो सकता है, लीवर डिजीज, रीनल डिजीज, हेमोफोरेज, ठीक है, बर्न का केस आता है। तो ये सब सारी कंडीशन है जिसमें प्रोटीन का लेवल डिक्रीज रहेगा। हाइपर प्रोटीनीमिया, इंक्रीज लेवल, कोई भी एक्यूट इन्फ्लामेशन है, ठीक है, MI का केस है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया, बेन जोन्स प्रोटीन्स का लेवल वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए अपन क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न देखते हैं कि नॉर्मल पैटर्न में आपको ये दिखेगा कि कौन कौन सी प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन नॉर्मल है या नहीं है। अगर किसी भी प्रोटीन का लेवल इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न में अबनॉर्मल है तो वो कौन सी डिजीज में होता है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल बताया कि अगर एल्ब्यूमिन का लेवल ज़्यादा रहेगा, ग्लोबुलिन का लेवल कम रहेगा नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर रिवर्स रेशियो हो जाता है तो वो मल्टीपल माइलोमा का केस रहेगा। रिवर्स नॉर्मल ऑफ AG रेशियो,
ठीक है, सेम वही आ गया कि लीवर डिजीज के अंदर एल्बुमिन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, हाइपोप्रोटीनेमिया एज ग्लोबुलिन लेवल इज इन। ठीक है, अब अपन एक बार डिस्कशन करते हैं कि जो पैटर्न बनता है नॉर्मल पैटर्न क्या रहेगा। देखिए ये पैटर्न जो है अपना नॉर्मल पैटर्न है, ठीक है। टोटल प्रोटीन 6 to 8 है, एल्बुमिन 3.5 to 5 है, अल्फा 1 है 0.1 to 0.4 ग्राम पर डीएल है, अल्फा 2 है 0.4 to 1.3 है, बीटा है 0.6 to 1.3 और गामा ग्लोबुलिन 0.6 to 1.5। ये अपना नॉर्मल पैटर्न है। हाइपो एल्बुमिनी में कब कब हो जाएगा? क्रोनिक इलनेस है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, डिक्रीज सिंथेसिस है, डाइट के अंदर आपने प्रॉपर नहीं लिया है, कोई भी एक्यूट फेज रेस्पॉन्स हो गया है, लॉस ऑफ द बॉडीज हाइपो एल्बुमिनी में, ठीक है। ऑर्गन लॉस, रीनल या फिर जीआई ट्रैक्ट, लीवर डिजीज के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डाइट में आपने प्रॉपर इंटेक नहीं किया तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ फ्रॉम द बॉडी, अक्यूट फेज रेस्पॉन्स हो गया, क्रोनिक इलनेस रहेगी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये कंडीशन है जब आपको हाइपो एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट है कि आपका अगर डिक्रीज अल्फा वन, डिक्रीज अल्फा वन कब रहेगा? आपका प्रोटीन लॉस हो गया, डाइट के अंदर आपने इंटेक नहीं किया या फिर लीवर डिजीज है, तो भी अल्फा वन का लेवल डिक्रीज रहेगा। नेक्स्ट पैटर्न आता है कि अगर इंक्रीज अल्फा टू इंक्रीज कब कब हो जाएगा? एक्यूट फेज रेस्पॉन्स में और सेलेक्टिव प्रोटीन लॉस में। नेक्स्ट आपका इंक्रीज बीटा वन, ठीक है। बीटा वन इंक्रीज किस कंडीशन में हो जाएगा? आपका मोनोक्लोनल प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा तो बीटा लिपोप्रोटीनीमिया में हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी आपका बीटा वन ग्लोबुलिन का लेवल इंक्रीज होगा। एक्यूट इंफ्लामेशन रेस्पॉन्स, ठीक है, नॉर्मल डिक्रीज एल्ब्यूमिन और इंक्रीज अल्फा वन और अल्फा टू। एक्यूट इंफ्लामेशन अल्फा वन इंक्रीज हो जाएगा, अल्फा टू इंक्रीज हो जाएगा इंफेक्शन इंजरी और सर्जिकल ट्रॉमा की कंडीशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स में नॉर्मल और अब नॉर्मल रहेगा एल्ब्यूमिन का लेवल या फिर डिक्रीज रहेगा, अल्फा वन अल्फा टू ग्लोबुलिन का लेवल इंक्रीज रहेगा और साथ में गामा ग्लोबुलिन का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। क्रोनिक इन्फ्लामेशन गामा ग्लोबुलिन का लेवल इंक्रीज रहेगा, अल्फा टू का लेवल भी इंक्रीज रहेगा, अल्फा वन ग्लोबुलिन का लेवल भी इंक्रीज रहेगा, डिक्रीज कौन हो जाएगा? एल्ब्यूमिन। ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, क्रोनिक लीवर डिजीज हो सकती है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है ड्यूरिंग मेलिग्नेंसीज। लीवर सोसिस यानी कि जो भी कंडीशन है उसमें एल्ब्यूमिन का लेवल तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अल्फा वन किसी में अल्फा टू का लेवल इंक्रीज हो रहा है, किसी में अल्फा वन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, इन किडनी डैमेज नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या फिर सीकेडी है, वहां पे क्या पैटर्न रहेगा? प्रोटीन्स का लेवल क्या रहेगा? डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है? सपोज कीजिए सीकेडी का पेशेंट है ना, रीनल फंक्शन उससे अफेक्टेड है, तो अगर अपन देखें कि रोल ऑफ बायोकेमिकल पैरामीटर चेंजिंग इन सीकेडी क्रोनिक किडनी इंजरी, सबसे पहले तो आपके माइंड में कोज पता होने चाहिए कि क्या क्या कोज हो सकते हैं कि रीनल फंक्शन वो अफेक्टेड हुआ, डिक्रीज हुआ। मेजर कोज क्या है सीकेडी के? डायबिटीज और हाइपरटेंशन। सेकंड अपन डिस्कशन करते हैं कि कंप्लीट ब्लड काउंट है आपका, सीबीसी है, वहां पे क्या इफेक्ट होगा? सीबीसी के अंदर एचबी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। आयरन की अपन बात कर रहे हैं, आयरन का लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। जीएफआर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जीएफआर क्या होगा? जीएफआर की फॉर्म क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सीकेडी के पेशेंट के अंदर जीएफआर क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा, ठीक है। विटामिन डी,
विटामिन डी क्या करेगा, कुछ करता है अफेक्टेड या नॉर्मल रहेगा? सीकेडी वाले पेशेंट में विटामिन डी क्या रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज या नॉर्मल? बातें मत करिए आप लोग, थोड़ा सा सोचिए ना। एक केस है सीकेडी का, आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन डी का लेवल उस पेशेंट में नॉर्मल रहेगा या इंक्रीज रहेगा या डिक्रीज रहेगा। अब सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि विटामिन डी और किडनी कहीं आपस में कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपस में कोरिलेट कर रहे हैं कहीं, तो क्या रहेगा, वो उसका जो लेवल है वो इफेक्ट होगा, डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। तो कर रहे हैं कहीं विटामिन डी और किडनी, कौन सा पाथवे है? सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आप है ना बुक को बंद करके सोचेगा खुद, है ना। किताब को आप साइड में रख दीजिएगा, माइंड के अंदर सोचेगा कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी कैसे होता है, कैसे होता है विटामिन डी का सिंथेसिस? सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं अपन इसको, जैसे ही सनलाइट पड़ती है, सेवन है ना फर्स्ट स्टेप, सेवन कुछ ऐसा। डीहाइड्रोकोलेस्ट्रोल कन्वर्टिंग इनटू 25-HCC, 25-हाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल। ट्वेंटी फिफ्थ पोजिशन के ऊपर लीवर के अंदर हाइड्रोक्सीलेशन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, 125-DHCC, 125-डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल। किडनी के ऊपर फिर से हाइड्रोक्सीलेशन हो रहा है, इसीलिए अपन क्या लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं। फर्स्ट वाला लीवर पे हुआ था, सेकंड वाला किडनी पे हुआ है, और 125-DHCC इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। लास्ट में जो बैठे हुए, क्या नाम है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी का? ब्लैक मास्क, हाँ खड़े हो जाइए आप। हाँ कैल्सिट्रायोल। तो जब कैल्सिट्रायोल का ही फॉर्म, जरूरत नहीं है ना, तो कैल्सिट्रायोल क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अब देखिए, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बनाने के लिए किडनी ने रोल प्ले किया, जब डेफिशिएंसी है सीकेडी है पेशेंट को, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे विटामिन डी का तो सिंथेसिस नहीं हुआ। जब विटामिन डी सिंथेसिस ही नहीं हो रहा किडनी वाले पेशेंट में, तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि जो सीकेडी वाला पेशेंट है उसके अंदर विटामिन डी का लेवल क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे कि लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और साथ में एक्सप्लेनेशन में क्या देंगे कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कैल्सिट्रायोल, है ना, और किडनी के अंदर ही उसका सिंथेसिस हो रहा है। अगर कोई आपसे पूछता है कि कैल्शियम का क्या रोल रहेगा, सेकंड लाइन में व्हाइट शर्ट है ना, लास्ट से सेकंड लाइन में व्हाइट नहीं, ये इधर वाले खड़े हो जाइए आप। कैल्शियम का क्या रोल रहेगा, सीकेडी की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म ऑफ सीकेडी, आगे आ जाइए। सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट आपने किया है ना अभी लास्ट टाइम, क्या है सीकेडी की फुल फॉर्म, बस ठीक है वहीं पे, क्या है सीकेडी फुल फॉर्म? आपकी जो बायोकेमिस्ट्री क्लासेस लगी, तो सबसे पहले आपको जनरल केमिस्ट्री पढ़ाई थी, है ना, कि ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है। अगर हम सीधा आपको ये बता देते, इनुलिन है, GFR में मेजरमेंट के काम में आता है, या फिर ये ग्लाइकोलिसिस होगा, तो जब आपको सीकेडी की फुल फॉर्म ही नहीं पता, तो फिर आगे तो बेकार है किसी को पूछना। बताओ विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म क्या है,
बंद करो उसको। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी क्या नाम है, अभी बताया था ना उन्होंने पीछे, तुम जब क्लिपिंग कर रहे थे, है ना, बताओ। हेल्थी ट्रैवल है ना, और सीकेडी की फुल फॉर्म कौन बताएगा? कैल्शियम सीकेडी वाले पेशेंट में कैल्शियम का क्या रोल रहेगा, डिक्रीज इंक्रीज या नॉर्मल? कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा? मैकेनिज्म क्या है, क्या मैकेनिज्म है? और फॉस्फोरस का लेवल, फॉस्फोरस क्या रहेगा, फॉस्फोरस का लेवल? विटामिन डी और कैल्शियम का कोई कोरिलेशन है? मिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन में है ना, कैल्शियम होमोस्टेटिक्स पढ़ा है आपने, कौन सा हार्मोन वहां पे फंक्शन कर रहा है? पैराथायरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि जस्टिफाई विटामिन डी इज नॉट ए विटामिन इट इज ए हार्मोन, कि जस्टिफाई करिए आप विटामिन डी एक हार्मोन है विटामिन नहीं है, तो आपको उसको जस्टिफिकेशन देना है उसमें कि कौन कौन सी ऐसी सिमिलरिटी है जो विटामिन डी में है और जो हार्मोन के फीचर्स होते हैं उनमें है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा उसमें। उस लेवल तक जाने के लिए सबसे पहले आपको जनरल पता होना चाहिए, बेसिक जो है केमिस्ट्री जो है वो पता होनी चाहिए आपको। तो जो सीकेडी वाले पेशेंट है उसमें कैल्शियम का लेवल तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और फॉस्फोरस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। देखिए क्या था कि जो विटामिन डी है वो क्या कर रहा है कि किडनी से कैल्शियम को भी अब्सॉर्ब कर रहा है और फॉस्फोरस को भी अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो विटामिन डी है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ा रहा है, सिंपल सी अगर अपन बात करते हैं तो। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन नहीं होगा, फॉस्फोरस का अब्सॉर्प्शन नहीं होगा, और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कैल्शियम की तो डेफिशिएंसी हो जाएगी लेकिन फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाएगा, यही कह रहे हैं ना आप, या फॉस्फोरस भी डिक्रीज हो जाएगा? फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाएगा, उसका क्या रीजन है? फॉस्फोरस इंक्रीज कैसे होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो अब्सॉर्ब और नहीं हो रहा है, एक तरफ आप फॉस्फोरस रखेगा, एक तरफ आप विटामिन डी रखेगा, एक तरफ आप पीटीएच रखेगा, पैराथायरॉइड हार्मोन। विटामिन डी का फंक्शन क्या है, कैल्शियम को अब्सॉर्ब करेगा। पीटीएच का फंक्शन क्या है, विटामिन डी कैल्शियम को अब्सॉर्ब करेगा, फॉस्फोरस को अब्सॉर्ब करेगा। पीटीएच का फंक्शन क्या है, कैल्शियम का अब्सॉर्ब करेगा, फॉस्फोरस को रिमूव करेगा। सीकेडी वाले पेशेंट में किडनी प्रॉपर फंक्शन कर नहीं रहा है, पेशेंट का जीएफआर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा, एचबी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, विटामिन डी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, फॉस्फोरस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। भाई आप जो प्रोफाइल बनाते हैं कि थायराइड वाला पेशेंट आया, आप टीएफटी करा के लेके आइएगा। अपन ने जो प्रोफाइल बनाया कि सीएलडी का पेशेंट है, आप उसका एलएफटी करा के लेके आइएगा। रीनल फंक्शन का पेशेंट आया आपके पास में, आप उसका आरएफटी करा रहे हैं। तो इंडिविजुअल हमने जो ऑर्गन प्रोफाइल क्रिएट किया है वो इंडिविजुअल ऑर्गन के जो फंक्शन है या फिर वहां पे इंफ्लामेशन होता है या उसके फंक्शन अफेक्टेड होते हैं, तो अपन कौन कौन से वहाँ पे एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं, जिनका लेवल अफेक्टेड होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, उनको सेलेक्ट करके अपन ने ऑर्गन प्रोफाइल क्रिएट किया है कि टीएफटी के अंदर ये टेस्ट हैं, ठीक है। एलएफटी करवा रहे हो आप, ओटीपीटी करवाइएगा, एंजाइम्स हैं, ठीक है।
सीकेडी का पेशेंट आप विटामिन डी करवाइएगा, यूरिया क्रेटिनिन यूरिक एसिड करवाइएगा, क्लिनिकली अप्रोच रखेगा, बुक को बंद रख के सोचिएगा कि आपके पास में कोई भी एक केस आता है तो आप उसको किस तरीके से रिजोल्व करेंगे। सपोज कीजिए आपके पास में डायबिटीज का ही केस आ गया, सबसे पहले आप उसकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री लेंगे तो आपको पहले ये नॉलेज होनी चाहिए कि कॉमन स्किन कौन कौन से, ऐसे क्या क्या कोज हैं जिनकी वजह से डायबिटीज होगी, जो आपको फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। तो आप जब हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट से उसके फैमिली हिस्ट्री भी लेंगे, ठीक है। कुछ डिजीज ऐसी होती है जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल लोकेशन पे मिलती हैं, तो आप उसका रेजिडेंस पूछेंगे, ठीक है। दूसरा, आपको लग रहा है कि अगर डायबिटीज है तो केमिकल कौन कौन से चेंजिंग होंगे, हमें कौन कौन से एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन करवाने हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन आपने कर लिया है, डायबिटीज का पेशेंट है, ये केमिकल चेंजेस हो जाएगा तो हमें ये केमिकल एग्जामिनेशन करवाना है। शुगर फास्टिंग करवाना, पीपी करवाना है, रैंडम करवाना है, एचबीएमसी करवाना है, लिपिड प्रोफाइल आपको चेक करना है, सी पेप्टाइड आपको चेक करना है, इंसुलिन का लेवल आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद में ये तो चेंजेस हो गए, कोरिलेट कर रही है फिजिकल हिस्ट्री और क्लिनिक केमिकल एग्जामिनेशन जो आपने किया है। अब आपको उसको ट्रीटमेंट क्या देना है, ठीक है। डायबिटीज का पेशेंट है, इंसुलिन सिंगल हार्मोन है जो उसको डिक्रीज करेगा। इंसुलिन अपन कब दे सकते हैं, कितना लेवल अगर इंक्रीज है तो इंसुलिन को अपन यूज करेंगे। उसके अंदर आपका पूरा कवर होगा, किसी भी डिजीज को आप उठाएंगे तो कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे यूज में आएंगे, आपको किसकी हेल्प का रिक्वायरमेंट है। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो 20 नंबर का जो वेटेज है एमसीक्यूज आपके आएंगे, है ना। पहले तो आपका आ रहा था कि शॉर्ट नोट ऑन कुछ भी आ गया, आरएफटी आ गया, एलएफटी आ गया, आप लिख देते थे कुछ भी। अब आएगा कि नॉर्मल जीएफआर इज इतने से इतना, इतने से इतना, तो उसमें या तो आपको 1 नंबर मिलेगा या 0 मिलेगा। पहले तो ये था कि 5 नंबर का शॉर्ट नोट आया, आपने कुछ भी उसमें लिखा, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया, आपने कोरिलेट कर रहा है, 2 नंबर मिल गए। अब तो या तो 5 ही आएंगे या फिर 0 आएंगे, है ना। एमसीक्यूज में तो या 1 आएगा 0 आएगा। और एमसीक्यूज हमें कवर करने के लिए क्या करना होगा, खाली क्वेश्चन पेपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बुक पढ़नी पड़ेगी अपने को। आपको जीएफआर पता है, ठीक है, उसकी यूनिट नहीं पता है, या फिर पूछेगा कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीकेडी स्टेज 5, जीएफआर बताइए कितना रहेगा। उसके लिए आपको पहले तो सीकेडी की स्टेज पता होनी चाहिए कि उसका क्या क्राइटेरिया है। फिर उसका आपको जीएफआर का वैल्यू पता होनी चाहिए कि जीएफआर का लेवल लेस देन 15 ml पर मिनट 1.73 m² है तो फिर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीकेडी स्टेज 5, अगर मोर देन 15 है तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीकेडी 4। फर्स्ट ईयर के अगर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो आप तो सेकंड ईयर में प्रमोट नहीं हो पाएंगे, ये भी पता है ना आपको। आप लोग तो बस अभी अटेंडेंस के चक्कर में ही पड़े हुए हो ना, कि बस अटेंडेंस हो जानी चाहिए 75%। अटेंडेंस होगी 75%, लेकिन नॉलेज नहीं है, पास नहीं होगे, फिर क्या करोगे। टारगेट आपका वहां तक की सोचो कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, 3 घंटे में कैसे कवर करना है।